का खुल गया वो बात ही नहीं। अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। उसके मौके पे हम लोग ये कहां से मिला आपको? नहीं नहीं यू एक घर ले जाइए तुम वो है नहीं। और आज 25 दिसंबर है। जी हाँ, आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना के सड़कों पे। जी हाँ, जहाँ काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। आज 25 दिसंबर है, दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। जी हाँ, और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सड़कों पे। इस 25 दिसंबर को साल का आखिरी महीना और साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों में चहल पहल देखने को मिल रही है जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए हम जानेंगे उन्हीं से। आज 25 दिसंबर है और जैसा कि क्रिसमस है और आप काफ़ी खुश दिख रही हैं, तो आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? एक्चुअली हम लोग घर पे किया था, हम लोग रात में लाइक क्रिसमस ईव पे, एंड अभी तो हम लोग बस चर्च आए, उसके बाद रेस्टोरेंट, फिर तो घर। तो आपकी एक पर्सनल सवाल, क्या इस साल शादी करनी है या जॉब करके शादी करनी है? अभी तो जॉब करना है, अभी MBA कंप्लीट होगा, उसके बाद जॉब, उसके बाद शादी। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के साथ और अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वही वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो उधर जा रहे हैं, तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, so obviously it will be more out of happy together, ठीक है, और orphanage जा रहे हैं, donation कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही celebrate करते हैं हम Christmas हमेशा। तो ये जो मतलब हमारा ये साल आपका कैसा बीता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आने वाले साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आने वाले साल से मेरे पति से मुझे उम्मीदें हैं। आप शादीशुदा हैं? होने वाली मेरी शादी, तो मेरे पति से मेरी उम्मीदें हैं कि वो मेरे लाइफ में और मेरे घर वालों के लाइफ में और खुशियां डालें। तो जो ये क्रिसमस है उस पर कैंडल क्यों जलाया जाता है, इस पर आप कुछ बताएं? कैंडल इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक, आप इसको दिवाली और क्रिसमस दोनों से, दिवाली में भी जब राम जी वापस आए थे तो दिवाली मनी थी, तो क्रिसमस में भी जब जीजस का जन्म हुआ था तभी हम कैंडल जलाते हैं। साल का आखिरी जो महीना है 25 दिसंबर, इसको हर कोई इतने चहल पहल और धूमधाम से मना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल, सबके लिए ईयर बहुत टफ था एंड सबको बेसिकली इंजॉय नहीं कर पाए, एक तो इतने सारे पैंडमिक था, फिर बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर एक ही बार में सब चीज़ खुलने के बाद हो गया, तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द लास्ट लाइक होता है ना बाय बोलने का तरीका कि हाँ वी हैड अ गुड ईयर, कि वी आर वर्किंग हार्ड एंड नेक्स्ट ईयर इवन बेटर होगा, सो बस इंजॉय करें। और आने वाले साल से आपकी क्या उम्मीद है? बस जिंदा बच जाए, अभी फिलहाल यही है, अभी ज़्यादा होप्स नहीं है, एंड लाइक सब कुछ बेटर हो एंड सब कुछ पहले से सब नॉर्मल हो जाए, अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, फिर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सो जस्ट होप्स है कि सब ठीक हो जाए एंड दैट्स ऑल। बहुत यंग लग रही है, तो शादी का क्या कहना है आपके बारे में? इस साल क्या करना है, आने वाले साल में शादी करनी है? मैं 17 की हूँ, अभी मैं 17 की हूँ, अभी मैं 11th में हूँ, अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। आप क्रिसमस कैसे मना रहे हो? क्रिसमस हाँ सेंटा क्लॉज से बना रहे ना। अच्छा, सेंटा क्लॉज ने आपको गिफ्ट दिया? हाँ दिया है। आपके सेंटा क्लॉज कौन थे? जो दिए थे गिफ्ट बोले। ये जो स्टॉल है वो आपने लगवाया है? नहीं, स्टॉल तो मैंने नहीं लगवाया, हमारे सर ने लगाया है, दिलासो की तरफ से ये स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें टेस्टी प्योर हेल्दी जो इसका जो मोटिव है वो है, तो इसमें हम मतलब इसका प्रमोशन कर रहे हैं दिलासो का, और जिसे ये बहुत से लोगों को ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो फिर ये अब दुकान में भी आएगा अगर और लोगों को ये पसंद आएगी तो। जो इस स्टॉल के थ्रू जो गिफ्ट बच्चों को दिए जा रहे हैं, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके कॉस्ट है? नहीं नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने के बाद उन्हें एज अ प्राइज ये मिल रहा है दिलासो का, ये जो ड्रिंक है वो ये 5 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, तो वही सबको दिया जा रहा है।